इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, देसी विदेशी खाने को बड़े ही रोचक तरीके से बनाने वाली मस्तनम्मा खाना बनाने वालों के लिए किसी शिक्षक से कम नहीं थी। अपनी कुकिंग स्टाइल की वजह से इंटरनेट सेंसेशन रही मस्तनम्मा का साल 2018 में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 4 दिसंबर को आखिरी सांस ली थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के छोटे से गाँव की रहने वाली मस्तनम्मा स्वादिष्ट खाने और काम करने के जज्बे को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा में रहती थी। खुले खेत में बने किचन में मस्तनम्मा मुंह में पानी वाली चीजें बनाती थी, साथ ही कुछ कुछ कहानी भी सुनाती जाती। 2016 में ब्रिंजल करी बनाने का उनका पहला वीडियो कंट्री फूड के यूट्यूब चैनल पर आया और इस वीडियो को एक रात में करीब 75 लाख यानी कि 7.5 मिलियन लोगों ने देखा था। एक दिन पहले तक गाँव में मशहूर रही मस्तनम्मा दूसरे दिन यूट्यूब की सनसनी बन चुकी थी। यूट्यूब पर कंट्री फूड नामक चैनल उनके पोते लक्ष्मण ने बनाया था। मस्तनम्मा के वीडियो डालने के बाद से ही कंट्री फूड चैनल को एक साल में ही 12 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर मिल गए थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मस्तनम्मा का खाना बनाने का अनोखा अंदाज था। आज चैनल के 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर है। मस्तनम्मा की अंतिम विदाई के वीडियो को भी लाखों लोग देख चुके हैं और उन्हें कमेंट करके विदाई भी दी है। मस्तनम्मा लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाती थी और इसके लिए वे केवल सूखी पत्तियों और लकड़ियों का प्रयोग करती थी। वे चिकन बर्गर और KFC चिकन की पारंपरिक शैली भी बनाती थी। एग इन टोमेटो के अलावा उनके सबसे लोकप्रिय वीडियो वाटरमेलन चिकन है। इसे यूट्यूब पर 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। विश्व भर में यूट्यूब पर मस्तनम्मा के जबरदस्त प्रशंसक थे। मस्तनम्मा के फॉलोअर्स में भारत के अलावा अमेरिका, पाकिस्तान, UK व मलेशिया के लोग भी शामिल है। वीडियो शूट के दौरान मस्तनम्मा की पोती उनकी मदद करती थी जबकि लक्ष्मण वीडियो शूट करता था। मस्तनम्मा को बचपन में एक परिवार ने गोद लिया था और उस परिवार में कोई बेटी नहीं थी। उसी परिवार ने मस्तनम्मा को नाम दिया था। हालांकि बचपन में ही मस्तनम्मा ने अपने नए परिवार के साथ रहने से मना कर दिया और अपने गांव वापस चली गई। मस्तनम्मा की शादी 11 वर्ष में ही हो गई थी और ठीक 11 वर्ष बाद यानी कि 22 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। पति के गुजरने के बाद अपने 5 बच्चों का अकेले ही पालन पोषण करना पड़ा। बच्चों और खुद का पेट भरने के लिए वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करने लगी। जीवन चल ही रहा था कि महामारी के चपेट में आकर उनके 4 बच्चों की मौत हो गई। 5वां बेटा जीवित तो रहा लेकिन उसकी आंखें चली गई थी। 5वें बेटे से हुआ लक्ष्मण, उन्होंने मस्तनम्मा को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। अब मस्तनम्मा हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके खाना बनाने के वीडियो यूट्यूब पर आज भी उनके जिंदा होने का एहसास करा रहे हैं और कराते रहेंगे क्योंकि मस्तनम्मा हमारे लिए वो चीज है, अमर करके चली गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।